Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the visual pathways to the brain. How the information leads to the brain. सबसे पहले हम बात करेंगे what is the relation between vision and the brain. Students, light falls on the eye but you see with your brain. What does that means? मतलब कि light जो होती है वो हमारी eye पर fall होती है, वो हमारी आँख पर fall होती है, लेकिन हम देखते हैं कहाँ से? अपने brain से हम देखते हैं. इट मीन्स दैट कि लाइट जो है वो पहले आई पर फॉल हुई, ठीक है जी, उसके बाद वो हमारे रेटिना में जाती है और रेटिना फिर क्या करता है, उस लाइट को प्रोसेस करता है. अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वो प्रोसेसिंग कर देता है यहाँ पर फॉर अ सेंसरी ऑर्गन, बट स्टिल विजुअल इनपुट तब तक मीनिंगलेस होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता. लाइट जो हमारी आँख पर गिरी है उसका हमें कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता जब तक के ब्रेन उसको प्रोसेस ना कर दे. जब तक विजुअल इनपुट इज हेयर लाइट, ठीक है जी, लाइट हमारी विजुअल इनपुट है. जब तक कि विजुअल इनपुट जाकर प्रोसेस ना हो जाए ब्रेन में, हमारे जो हमें कुछ नज़र नहीं आता, दैट इनपुट इज़ मीनिंगलेस. ठीक है जी, यहाँ पर अब वो ब्रेन तक पहुँची कैसे? पहले वो ब्रेन में जाएगी और फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी. तो ब्रेन में वो कैसे जाती है, दैट इज़ आवर टॉपिक, कि विजुअल इनपुट ब्रेन तक कैसे गई. हाउ डज विजुअल इन्फॉर्मेशन गेट टू द ब्रेन? ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट की. एज वी नो इट इज द रीजन ऑफ आवर आई, ठीक है जी, न्यूरल टिश्यू जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं और ऑप्टिक नर्व बना देते हैं. एक हमारे आई के रीजन में न्यूरल टिश्यू आपस में कनेक्ट करके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, जिसको हम ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. ये वो रीजन होता है जहाँ पर कोई सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होते, जिसकी वजह से कोई इमेज फॉर्मेशन अकर नहीं होती. ठीक है जी, अब हम देखेंगे कि हमारी ये जो विजुअल इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है, ये जो पाथवेज हैं वो स्टार्ट कैसे होते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि जब लाइट हमारी आई पर आ गई है, उसके बाद एक्सॉन्स जो होते हैं वो हमारी बैक ऑफ द आई से रिलीज होते हैं. ठीक है जी, एक्सॉन लीव द बैक ऑफ द आई एंड फॉर्म ऑप्टिक नर्व. एक्सॉन्स क्या करते हैं, बैक ऑफ द आई से रिलीज हुए, लीव हुए और फिर वो ऑप्टिक नर्व बना देते हैं. एज ऑप्टिक नर्व नाउ इज क्लस्टर ऑफ एग्जॉन. ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, ये जो एग्जॉन्स होते हैं फिर आगे जाते हैं एक रीजन में, दैट इज नॉन एज ऑप्टिक चियास. ऑप्टिक चियास इज दैट एरिया वेयर ऑप्टिक नर्व इज प्रोजेक्टेड इनटू टू डिफरेंट पाथवेज. अब यहाँ से हमारा क्या होगा कि एग्जॉन या फिर ऑप्टिक नर्व जो है वो आगे दो पाथवेज में डिवाइड हो जाएगी, विच इज आवर टॉपिक. नाउ लेट्स डिस्कस द टू पाथवेज, वन एंड टू. द फर्स्ट वन इज ऑल्सो नॉन एज मेन विजुअल पाथवे. क्या होता है कि हमारे जो एग्जॉन्स होते हैं, जो ऑप्टिक नर्व है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाती है, हाइपोथैलेमस में. हाइपोथैलेमस के बाद जो हमारे 90% एग्जॉन्स होते हैं जो कि रेटिना से आ रहे हैं, वो साइनेप्स करते हैं. ठीक है जी, साइनेप्सिस करते हैं एलजीएन में. एलजीएन इज लेटरल गैनिकुलेट न्यूक्लियस, ये थैलेमस का ही एक पार्ट है. ठीक है जी, ये क्या करता है, इट ओनली रिसीव विजुअल रिसेप्टर्स एंड विजुअल सिग्नल्स प्रोसेस्ड हियर. यानी मतलब ये सिर्फ विजुअल रिसेप्टर्स और विजुअल सिग्नल्स को ही रिसीव करके प्रोसेस करता है, इसके अलावा दूसरे सिग्नल्स रिसीव नहीं करता. ठीक है जी, यहाँ से क्या होता है, फर्दर हमारे जो विजुअल सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऑसिपिटल लोब में जाते हैं. ऑसिपिटल लोब से आगे ऑसिपिटल लोब के ही पार्ट में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑसिपिटल लोब, वहाँ पर फॉल करते हैं. और ये जो है यहाँ पर क्या होता है कि विजुअल इनपुट प्रोसेस होती है. ये जो हमारा रीजन है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है जी, इट रिस्पॉन्ड टू वेरी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई. ठीक है जी, इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ सेल्स. यहाँ पर हमारे दो टाइप ऑफ सेल एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल सेल्स एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स. सिंपल सेल्स क्या करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम देखने जा रहे हैं, ठीक है जी, जिसकी लाइट हमारी आई पर फॉल की थी, उसके जो सिंपल फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसकी विड्थ, उसकी पोजिशन, उसकी हाइट, उसकी ओरिएंटेशन, दैट्स ऑल. इस तरह के जो सिंपल फीचर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है जी, दे आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू व्यू. यहाँ से क्या होता है, हमारी विजुअल सिग्नल्स फर्दर टू स्ट्रीम्स में जाती है. वन इज डॉर्सल स्ट्रीम एंड अदर इज वेंट्रल स्ट्रीम. डॉर्सल स्ट्रीम प्रोसेसेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर, ये बताती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा हुआ है, मतलब कि उसकी पोजिशन क्या है. ठीक है जी, वो लेफ्ट पे है, वो राइट पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जबकि जो वेंट्रल स्ट्रीम होती है
वो ये बताती है व्हाट द ऑब्जेक्ट आर इट प्रोसेसेस, व्हाट ऑब्जेक्ट आर, मतलब कि वो है क्या चीज़ है, उसके फीचर्स क्या है, वेंट्रल स्ट्रीम हमें ये बताती है। फर्दर ये जो हमारी डॉर्सल स्ट्रीम होती है ये हमें परसेप्शन देती है मोशन की, डेप्थ की, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर वो कितनी गहराई में है, जबकि जो हमारी वेंट्रल स्ट्रीम होती है वो हमें उसका फॉर्म, उसकी कलर, उसके मतलब कि हमें बताती है उसके फीचर्स कैसे हैं एक्सेट्रा। यहाँ से फर्दर हमारे जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है, जो विजुअल सिग्नल्स होते हैं, वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटल लोब। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है ब्रेन में, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड पाथवे व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। ये पाथवे कब बनता है, जब हमारी मूवमेंट हो रही होती है, स्पीड में होते हैं या फिर वैसे ही सिंपल मूवमेंट हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्पीड होती है या मूवमेंट होती है उस दौरान हमारी परसेप्शन क्लियर नहीं होती, फिर ये पाथवे होता है जिसकी वजह से परसेप्शन क्लियर हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे एग्जॉन्स आ रहे होते हैं बैक ऑफ आई से, फिर ऑप्टिक नर्व बनाकर ऑप्टिक चार्ज में, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो मिड ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन ऑल्सो नॉन एज सुपीरियर कॉलिक्यूलस। यहाँ पर क्या होता है कि जो मिड ब्रेन होता है वो डिटेक्ट करता है कि मूवमेंट हो रही है या स्पीड हो रही है, जिसकी वजह से परसेप्शन क्लियर नहीं है। फिर ये मिड ब्रेन जो होता है ये इस पाथवे को करवाता है और उसके बाद जो परसेप्शन होती है उसको क्लियर कर देता है, ठीक है जी। यहाँ पर मेन रोल हमारा मिड ब्रेन का है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन है, जो हमारे एक्सॉन्स हैं, वो कहाँ जाते हैं, थैलेमस में जाते हैं या फिर ऑसिपिटल लोब में जाते हैं। थैलेमस में क्या होता है, थैलेमस से फर्दर वो एलजीएन में चले जाते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ थैलेमस, लेटरल गैनिकुलेट न्यूक्लियस। यहाँ से क्या होता है, फर्दर हमारा सेम यही मेन विजुअल पाथवे वाला प्रोसेस दोबारा से अक्कर हो जाता है, ठीक है जी। और जो ऑसिपिटल लोब होते हैं वहाँ से डायरेक्ट आगे यहाँ पर ये जो ऑसिपिटल लोब वाला प्रोसेस है वही फर्दर कंटिन्यू हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से हमारा फिर मेन विजुअल पाथवे वाला प्रोसेस हो जाता है और हमारी जो विजुअल होती है, जो परसेप्शन होती है, वो क्लियर होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टू विजुअल पाथवेज, ठीक है जी। हाउ द इंफॉर्मेशन लेड्स टू द ब्रेन, इन विच वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन विजन एंड द ब्रेन, ऑप्टिक चार्ज, ऑप्टिक डिस्क, और उसके बाद ये दोनों प्रोसेस जिसमें वन इज़ द मेन विजुअल पाथवे एंड अदर इज अकर ड्यूरिंग द मूवमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।